नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चिराग गोठी है। मैं क्राइम तक पर आपका स्वागत करता हूं। मेरे साथ लोकेंद्र सिंह हैं। आज एक हम ऐसी घटना का जिक्र करने जा रहे हैं जो बहुत ही दर्दनाक है और हर एक तरह से कहा जाए फैमिली में छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, तो ये सभी से जुड़ी हुई खबर है। कोलकाता की घटना है जहाँ पर एक लेडी है, उसका 22 दिन का बच्चा था, 23 दिन का बच्चा था। वो बच्चा बेड पर सो रहा था और एकाएक जो कहते हैं जो कुशन है वो उसके ऊपर गिर गया और दम घुटने से उसकी मौत हो गई। बड़ा ही दर्दनाक घटना है। तो ऐसे में किस तरह की प्रिकॉशंस रखनी चाहिए और क्या एक्सपर्ट्स बोलते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। लोकेंद्र, थोड़ा डिटेल में इस खबर के बारे में बताएं। ये कोलकाता का मामला है और इसमें यह है कि मध्य ग्राम में एक जगह है कोलकाता में, वहाँ पे एक शख्स हैं दिवाकर मंडल, उनकी पत्नी है जिसका नाम है अपर्णा दास। उनका 23 दिन पहले एक जो बच्चा था वो हुआ था और उसके बाद जैसा आमतौर पर होता है कि जो डिलीवरी के बाद या डिलीवरी से पहले जो महिलाएं होती हैं वो अपने मायके चली जाती हैं, तो लेकिन डिलीवरी के बाद जो अपर्णा दास थी वो अपने पिताजी के घर चली गई थी। ऊंचा पोर्ट इलाका है कोलकाता का, वहाँ पे और शुक्रवार की शायद ये घटना है और ये बच्ची के साथ सो रही थी दोपहर में, जैसे लोग सो जाते हैं। इवन अगर आपको नहीं मालूम हो तो मैं कोलकाता की एक खास बात बताता हूँ कि जैसे नॉर्थ इंडिया में दिल्ली वगैरह में तो दुकानें हमेशा खुली रहती हैं सुबह से लेकर शाम तक, लेकिन कोलकाता में ये होता है कि दोपहर में 2-3 घंटे के लिए दुकान बंद कर दी जाती है और वहाँ पे दोपहर की जो नींद होती है उसको बहुत अच्छा माना जाता है। ओके, तो ये जो महिला थी अपर्णा दास, ये भी अपनी बेटी जो थी 23 दिन की उसके साथ ये सो रही थी और जब ये उठी तब इसने देखा कि उसके ऊपर 2-3 तकिए जो थे वो गिरे हुए थे और जो उन्होंने तकिया हटाया बच्ची के ऊपर से और उसको देखा तो वो बेजान था जिस्म, तो उनको लगा कि पता नहीं क्या हो गया, तो डॉक्टर के पास लेके गए और जब डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर ने चेक किया उसकी नब्ज़ वगैरह टटोली तो वो पल्स नहीं थी। तो ये बड़ी अजीब सी घटना है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 23 दिन की जो बच्ची होती है वो मेरे ख्याल से अपने आप जो भी करवट वगैरह वो नहीं ले सकता, तो ऐसे में अगर आप तकिया रख रहे हो उसके बाजू में तो उसका कोई फायदा तो है नहीं क्योंकि बच्चा तो इधर से उधर जा ही नहीं सकता, तो फिर तकिया और अगर तकिया रखने हैं तो 2-3 क्यों रखें, एक रखो। हाँ भाई, एक तकिया रखो तो वो मोर देन अनफ है। प्लस दूसरे ऐसे केसेस में हमने अक्सर देखा है लेडीज अब थकी होती हैं, ऐसा नहीं है पूरी पूरी रात जाग रही हैं बच्चे के चक्कर में, तो वो कई बार ऐसा होता है नींद इतनी गहरी आती है और कुछ समय के लिए आती है कि उस समय पता नहीं चलता कि वो उस मोमेंट में क्या हो जाए। और आजकल जैसे गर्मी का वक्त है तो लोग एसी भी ज़्यादा उसका इस्तेमाल करते हैं, तो कई बार इतनी ज़्यादा गहरी नींद में होते हैं तो ये हादसे हो जाते हैं, जैसा कि हो सकता है बच्ची छटपटाई हो, हल्का फुल्का रोई हो लेकिन नहीं पता चल पाया, तो ये बड़ी दर्दनाक घटना है। और ऐसे में जो डॉक्टर्स की ओपिनियन है लोकेंद्र, वो तो यही है कि जैसा आप बता भी रहे थे और क्या क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए, और खैर हमारे व्यूअर भी ऐसा नहीं है, सब बहुत अलर्ट व्यूअर्स हैं हमारे भी, उनको पता है काफी सारी चीजें। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ कि एक क्योंकि ये खबर हम लोगों ने वेबसाइट पर लिखी थी तो उसमें एक कमेंट आया हुआ था और एक महिला ने कमेंट किया था कि उन्होंने उसमें लिखा होता जो हमारी रीडर थी कि 23 दिन की जो बच्ची होती है वो करवट नहीं बदल सकती, वो बिल्कुल सीधा फ्लैट लेटती है और उसको करवट बदलवाया जाता है, वहाँ से वहाँ ही करवट बदलवाती है। तो उनका कहना ये था कि या तो अगर बच्ची को सुलाना था तो दीवार की साइड में या फिर जैसे डबल बेड का जो हेड वाला पोर्शन होता है उस साइड में आप सुलाओ तो गिरने का कोई चांस ही नहीं है, लेकिन उनका यह कहना था कि इतने सारे तकिए लगाने का क्या मतलब है। सही तो अगर तकिया, अब जाहिर सी बात है जो बच्ची की माँ है अपर्णा उसने भी तकिया उस तरीके से नहीं लगाया होगा, जाहिर सी बात है उसकी सुरक्षा के लिए और कि कहीं बच्ची गिर ना जाए बेड से उसके लिए लगाया होगा, लेकिन आप ये देखिए ना बड़े अजीब अजीब तरीके के हादसे होते हैं। अब मैं अभी पढ़ रहा था कि 1.5 साल का एक बच्चा था, कि घटना मुझे नहीं मालूम लेकिन वो बाल्टी में गिर गया और बाल्टी में उल्टा, मतलब कि उसका सर पहले। सही आप कह रहे हो, ऐसे ऐसे अजीब अजीब कई बार घटनाएं हो जाती है जो बड़ा तो बड़ा दुखदाई है क्योंकि और इस तरह से घटना अगर हो जाना, और आप सोचिए कि परिवार जो है उस पर क्या बीत रही होगी। और ऐसे में अब ऑब्वियसली इसमें तो जाँच के नाम पर क्या होगा, लेकिन इतना साफ है कि अलर्ट रहिए, मतलब हम तो यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं। पीएम लेकिन करवाया पुलिस, हाँ करवाया पुलिस ने, क्योंकि अननेचुरल डेथ थी तो फिर हॉस्पिटल से कॉल भी हुई है और उसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और पीएम भी करवाया, क्योंकि सोचिए ना कि 23 दिन की बच्ची का पीएम अगर हो तो कितना तकलीफ। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा तकलीफ की बात है। तो हम अपने व्यूअर्स का, हालांकि हमारे व्यूअर्स अलर्ट भी हैं, हम चाहते हैं कि आप लोग इस घटना से और हम सभी लोग इस घटना से सीखें
और प्रिकॉशन ले, छोटे छोटे बच्चे घर में होते हैं तो बहुत ज़्यादा सेफ्टी की ज़रूरत है, ज़्यादा तकिया ना लगाएं, एक ही तकिया अगर छोटा बच्चा है, बहुत छोटा बच्चा है, और कोई ना कोई ऐसा शख्स हो जो जब ये नहीं, इवन मेरी जो बेटी है वो करीबन 3 साल की होने वाली है, तो मैं एक ही तकिया लगाता हूँ, ये नहीं कि चार तकिया, एक तकिया लगे, बल्कि 3 साल के बच्चा तो फिर बहुत ज्यादा, तो लेकिन वो एक तकिए में अगर वो करवट लेती तो एक तकिए से ये रुकी रहती, वो गिरती नहीं है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो इस तरह के हादसे से खुद लोकेंद्र भी बता रहे हैं, बच्चा बाल्टी में गिर गया, उसकी मौत हो गई। कई बार हम देखते हैं बड़ी छोटी छोटी, एक मैंने स्टोरी देखी थी, उसमें बच्चे को बारिश हो रही थी तो बाहर घूम रहा था, करंट लग गया, बच्चा मर गया, बताओ छोटे छोटे। हाँ उसका वीडियो आया था अभी। वीडियो तो ये बड़ा, ये घटना हमने इसलिए, ये हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम इसको क्यों वीडियो बनाएं, ताकि हम लोग सीख सकें इस तरह की घटनाओं से और अलर्ट रह सकें। ऑब्वियसली हम सब लोग अलर्ट भी रहते हैं, लेकिन और अलर्ट रह सकें ताकि बच्चों की सेफ्टी कर सकें, और जब कभी ऐसी सिचुएशन हो कि माँ या बच्ची सो रही है तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें, और कोशिश अगर यही हो कि कोई लुक आफ्टर करने के लिए हो घर में, जैसे कई बार होता है घर के एक मेंबर होता है जो बार बार आकर हर 15 मिनट बाद देखता है सिचुएशन। तो जैसे मेरी आदत है, मैं कई बार जैसे मैं घर में होता हूँ तो मैं, अगर मेरी वाइफ या बच्चे सो रहे होते तो मैं उनको आकर एक आध बार बीच में देखता रहता हूँ। तो ये एक नेचर की बात है कि वो एक हैबिट है, एक डर भी रहता है कि एक बार देख लें जाकर, तो ये चीज़ होनी चाहिए, जो मुझे लगता है इसमें कुछ बुराई नहीं है, तो ये चीज़ करें। और प्लस ध्यान रखें, छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत नाजुक होते हैं, और इस तरह की अगर घटना हो जाए तो बहुत ज़्यादा दिल पसीजता है ये सुनकर भी। क्यों हम लोग कहते हैं, हाँ, और मेरे ख्याल से इतना ही, हाँ इतना ही इस वीडियो में। बाकी ये वीडियो के बारे में आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, शेयर ज़्यादा कीजिएगा, क्योंकि ये हर एक घर तक जानी चाहिए वीडियो, ताकि लोग इसको इसे सीख सकें कि इस तरह की अगर घटना हो तो क्या करना चाहिए, क्या पहले तो घटना ही ना हो, हम तो ये चाहते हैं घटना ही ना हो, उससे पहले सारे प्रिकॉशंस लेने चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।